हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि बेबी शावर में फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा कि किसने क्या क्या दिया है मेरे ससुराल साइड में। एंड कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ, विच इज़ कि आज मेरे मायके से क्या क्या मिला था, तो वो सारी चीज़ें तो मैं दिखाऊंगी। उसके साथ ही साथ अभी इस टाइम पर आपको मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई डोंट नो ये क्या हुआ है। अभी फिलहाल उसको मुझे किसी स्किन के डॉक्टर दिखाने, बिकॉज बहुत लंबा हो गया। एंड अभी रिसेंटली पता नहीं क्यों रेड रेड दिख रहा था, थोड़ा सा मुझे खुद बहुत गंदा लग रहा है, मुझे अपना फेस नहीं अच्छा लग रहा है, इसके वजह से मेरा और वीडियो बनाने मन नहीं कर रहा है। बट ठीक है, अभी जो भी है उसको तो झेलना है। तो चलिए फिलहाल आज सबसे पहले दिखाऊंगी मैं कि वो मतलब मायके से क्या क्या आया था। जैसे कि आपने देखा था कि मायके से मेरा भैया आया था और उनके एक दोस्त थे, वो आए थे। वो भैया भी मतलब मेरे भैया ही लगते हैं, तो वो आए थे। ज्यादा लोग इसलिए नहीं आया था जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें मायके का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। वो तो भैया को क्योंकि मिलना था, और क्योंकि जब से मेरे पापा की मतलब लाइक एक्सपायर होते तब से मिलना नहीं हो पाया था किसी का घर पे। ऑलरेडी सब बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, चीजें बहुत खराब हुई थी घर में, होता नहीं सिचुएशन, तो अभी वो बहुत ही फ्री होकर के आया था। तो उसको ये था कि मैं इस बार आऊंगा तो मिलने आएंगे, तो उसी टाइम पे ये ओकेजन भी पड़ गया, तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है आना है। तो मेरे मायके में तो फिलहाल कभी नहीं हुआ है, बिकॉज मेरे मायके साइड में ये नहीं होता है, तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। बट हमने जैसे मूवीज वगैरह में देखते नहीं है कि लाइक क्या क्या चीजें करते हैं, और यहाँ पे भी जो है ऐसा कुछ वो मूवी वाला सीन नहीं था कि बिकॉज पंडित जी ने बताया था माँ को कि साड़ी रहेगी, जो भी वस्त्र होता है वो रखते हैं, उसमें जो है हर एक फल एक एक सिंगल रखते हैं, और जो भी आपको सोना चांदी देना है वो देना होता है, ठीक है। और मायके का ऐसा कोई खास रोल नहीं था, बट क्योंकि मतलब मैंने भी बहुत सारा मूवी वगैरह में देखा था, तो मुझे लगता कि हाँ यार चलो ठीक है जो है अच्छे से करेंगे। तो और आपने देखा ही था कि क्या क्या चीज़ें थी, 5 तरीके के ड्राई फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपने देखी थी वीडियो में। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें थी वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं दिखाऊंगी उनकी, जो कि घर में छोटे छोटे मेरे जो दो मेरी नंद है उनके लिए क्या आया था। बिकॉज वो बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब मेरे लिए तो फिर बहुत छोटी है, तो उनके लिए बहुत ही क्यूट क्यूट सी दो पर्स थी जो कि आई थी। आई क्या थी, मतलब मैं खुद चूज़ करने गई थी, झूठ के बोलूँ मैं सारी चीज़ें खुद से मैं गई थी। तो मतलब मुझे ये है ना कि मुझे जल्दी किसी की पसंद में बिलीव नहीं होता, तो मैं और मेरी भाभी इसीलिए गए थे लेने के लिए जो भी चीज़ें थी कि हम खुद से परचेज करके आएंगे, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है, और मुझे पता जैसे मुझे कोई चीज़ जल्दी नहीं पसंद आती है वैसे ही उनकी भी चॉइस थोड़ी डिफरेंट होगी, तो इसीलिए मैं उनके हिसाब से देखी। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो में आगे मैं आपको जो है अपना जो भी गोल्ड वगैरह का है वो भी दिखा दूंगी। सो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट एंड तक देखिएगा, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है वो देखने के लिए, पूरा एंड तक देखिए। सो ये दो ना बहुत ही क्यूट सी पर्स हैं जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये मैंने दोनों लिए हैं। अब कौन क्या लेगा वो खुद डिसाइड करेंगी, बट मुझे ये बहुत ही प्यारी लगती है। एंड मेरा मन कर रहा था मैं ले लूँ, बट मैंने इस बार अपने आपको बहुत कंट्रोल किया कि नहीं लूँगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी पर्स ऐसे रखी रह जाती हैं हम कोई यूज़ नहीं कर पाते, बट वो दोनों बहुत ही क्यूट हैं, तो उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा किसी ड्रेस वगैरह पर पहनेंगी। तो ये था वो दोनों का। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। नेक्स्ट जो चीज़ें थी वो थी ये, इसमें जो है दो चीज़ें हैं जो कि एक है मदर इन लॉ के लिए और एक है फादर इन लॉ के लिए। तो यहाँ पर लाइक सारे जो भी डालते नहीं हैं सुहाग वगैरह की चीज़, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज मायका से रिलेटेड चीज़ें, तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये है एक सूट का कपड़ा है जो कि पापा जी के लिए है, तो अभी इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, तो सूट का कपड़ा ये इससे ज़्यादा हम लोग को नॉलेज होती नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने नहीं लिया था, ये भैया ने लिया था अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा इस पॉलिथिन में सारी चीज़ें होती जो 5 सुहाग की चीज़ें चढ़ती हैं वो सब है। इसके अलावा जो साड़ी थी मैं वो दिखाती हूँ आपको, ये पेटीकोट का इसको हटाते पहले। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको साड़ी। साड़ी जो थी वो कुछ इस तरीके की है, साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है, कुछ सिल्क बेस्ड साड़ी है, बिकॉज मेरी जो मदर इन लॉ वो मैक्सिमम सिल्क की ही साड़ियाँ पहनती हैं, उनको बहुत पसंद आती है सिल्की साड़ियाँ। तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, और दो मतलब कलर में है, एक ब्लू एंड ग्रीन के फॉर्म में है, बहुत सुंदर लग रही है मुझे साड़ी, और काफ़ी मतलब पसंद आ रही है, और वो पहनी है तो उनपे अच्छा लगा, बिकॉज उनको पे मैंने ग्रीन कलर जब भी देखा था मुझे अच्छा लगा काफ़ी, और आई थिंक मुझे याद आ रहा है शादी में भी जो गया था ग्रीन कलर ही मैंने चूज़ किया था उनके लिए, और उनके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो साड़ी कुछ इस तरीके से है, आपको कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ इसमें सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ हैं जो कि मैं खुद से पसंद करवा के लाई थी, वो भी अपने फ्रेंड की शॉप से ही लेके आई थी। तो चूड़ियाँ जो थी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बिकॉज मैंने भी सेम चूड़ियाँ ली थी अपने लिए, कुछ इस तरीके से चूड़ियाँ, और यार इस तरीके की चूड़ियाँ मैंने रिसेंटली देखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, आपको ये दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके की चूड़ी थी जो कि मेरे फ्रेंड की शॉप से मैंने लिया था, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अपने लिए भी ली है फाइनली, और मैंने वही मैंने इसलिए अलग से वो सब नहीं लिया अलग तरीके की चीज़ें, मैंने कहा कि जो मैं पहनूँ मैं वही लूँगी। इन सारी चीज़ें मेरी ही पसंद की, मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि आपने देखा था कि मैं 2 बार शॉपिंग 2 से 3 दिन गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है,
और इसके साथ ही लाइक हमारे यहाँ बोलते हैं कि लड़की के घर भी मतलब कोई चीज़ आती है तो उसमें चांदी की चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि चांदी बहुत शुभ माना जाता है लड़कियों के लिए। तो ये मदर इन लॉ के लिए है, जो कि है बिछिया। तो ये है बिछिया जो कि मदर इन लॉ के लिए है, क्योंकि बोलते बहुत शुभ होता है चांदी, तो किसी अच्छे ओकेज़न पर दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली घर में, तो उसके लिए है। तो ये है। इसके अलावा मैं अब दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी जो कि मैंने पसंद की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो जो नेक्स्ट है वो है मेरी साड़ियाँ। साड़ियाँ दिखाने से पहले मैं दिखाऊंगी आपको कुछ बैंगल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। मैंने ना इस बार कोई बहुत खास अलग से बैंगल्स नहीं लिए, मैंने इस बार कुछ कड़े लिए हैं। कुछ कड़े मतलब इस तरीके के हैं, चूड़ियाँ ही हैं मतलब कांच की एक तरीके की, बट वो कुछ अलग टाइप की हैं जिनको आप किसी भी चूड़ी भी किस कांच या किसी भी चीज़ के साथ में लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मेरी फ्रेंड की शॉप से लिया है जो कि मैंने मेरे ब्लॉग में दिखाया था ऑलरेडी कि मैं मतलब उसकी शॉप से परचेज करने लगी। तो एक जो चूड़ी है वो है ये, कुछ इस तरीके की है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अभी तक मेरी जितनी भी चूड़ियाँ आया ना, मतलब अभी तक कोई भी ऐसा मेरा सेट नहीं होगा जो कि कभी ख़राब हुआ हो। तो इसीलिए मैं जब भी चूड़ियाँ लेती हूँ ना, तो मैं वहीं पे जाके लेती हूँ। मेरा फिक्स है कि अगर साल भर में एक बार दो बार जब भी जाऊँगी तो मैं वहीं से लूँगी, बिकॉज क्योंकि उसके शॉप की जो चूड़ियाँ ना बहुत अच्छी चलती हैं। और ये कुछ इस तरीके से, इसलिए मैंने अपने लिए इसको लिया है। और ये ना किसी भी कलर की चूड़ी हो, प्लेन हो, उसके साथ जब आप मिक्स करके पहनोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको अपनी मदर इन लॉ का दिखाया था, वो प्लेन के साथ उसने मिक्स करके दिया था, बहुत सुंदर लग रही थी वो, ठीक है। और मैंने इसके और भी कलर्स लिए, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ साथ ही साथ। उसके बाद मैं दिखाऊंगी साड़ी, क्योंकि जो साड़ी है वो मेरी ब्लू कलर की ही है, मतलब है वैसी चूड़ियाँ बट थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है सबका। दूसरी है वो है ये ग्रीन कलर की, जो कि इस तरीके से, इसको ना आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। इस तरीके की जो कटवर्क की चूड़ियाँ होती हैं बहुत सुंदर लगती हैं, मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके के मैंने इसको भी ले लिया है, एक डेढ़ दर्जन जो भी था वो लिया। एंड इसके अलावा मैंने एक और कलर लिया है जो कि है रेड में, बिकॉज रेड कलर ऐसा है ना जो सबके साथ में यूज़ हो जाता है, कोई मतलब ऐसा नहीं है जो यूज़ ना हो पाए। तो जब मैं गई थी तो मैंने और भाभी ने मिलकर इसको लिया था, क्योंकि हम दोनों को बहुत पसंद आ गई थी ये चूड़ियाँ। तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, हमने कोशिश की है बस इसके कलर लेने के, और एक दो कलर और भी है शायद, वो भी अंदर कहीं रखा होगा, बट फिलहाल ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल ये तीन थे जो मैं रख के आई थी, कि मुझे अलग से नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो चलिए फाइनली दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी अपने लिए चूज़ की थी। और इस बार की जो साड़ी है ना वो मैंने बहुत हैवी चूज़ की है। हैवी चूज़ करने का रीज़न ये था कि हमेशा ना आप एकदम हल्की हल्की साड़ी भी नहीं पहन सकते हो, और ये जो साड़ी ना इस पर वर्क जो है वो हैंड वर्क है एक्चुअली, ये वो तड़क मड़क वो वाला नहीं काम है, बट ये हैंड वर्क है। ये पूरी साड़ी ओवरऑल कुछ इस तरीके से है। साड़ी मैं थोड़ा सा आपको खोल के भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको खोला है तो मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी भी, घर पर दिखाने के लिए मैंने खोला था इसको। तो साड़ी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आता है इसका पल्ला, और पल्ला जो है इसका बहुत खूबसूरत है। मैं नीचे से दिखाती हूँ, जो मेन चीज़ दिख रही है वो है ये। तो ये बहुत अच्छा है, इस पर गोल्डन वर्क है और ये पूरा हैंड वर्क है, ये मतलब ऐसा तड़क भड़क वाला जो नहीं होता तारा सितारा वो नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया, मुझे था कि बहुत टाइम से मैंने बहुत हल्की हल्की साड़ियाँ पहन रखी थी, तो मुझे था कि चलो यार जब ले रही तो कुछ अच्छे में ले लेते हैं। तो साड़ी ओवरऑल जो मेन वर्क है ना वो नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक तरीके से इसको आप लहंगे के फॉर्म में वेयर कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने इसको चेक किया था तो लहंगे के फॉर्म में बहुत अच्छी लग रही थी स्कर्ट पहनने पर ये। तो ये कुछ इसी तरीके से है, यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरे साड़ी में ना जो वर्क है वो कुछ ऐसा है यहाँ से। तो जब आप इसको मैं पहनूंगी, जब मैं इसको लहंगे के फॉर्म में पहनूंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये यहाँ तक एंड है। इसके साथ जो इसका ब्लाउज है वो काफ़ी खूबसूरत है, मेन ब्लाउज की वजह से मुझे और सुंदर लगा ये, क्योंकि ब्लाउज कवर भी काफ़ी हैवी है और हैवी साड़ी के साथ हैवी वैसे ब्लाउज नहीं होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसका जो कपड़ा वो थोड़ा अलग है। तो जो ये है ये जॉर्जेट कपड़ा है और ये थोड़ा सा जो है बोल सकते हैं जो लाइट सिल्क का कपड़ा होता है वो है। तो मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ, ब्लाउज बहुत सुंदर लगेगा आपको भी। ऑलराइट, तो ब्लाउज पे कुछ ऐसा वर्क है जिसको कि ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें मुझे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा यहाँ पे इसके स्लीव्स पे दिया हुआ है, तो मैं इन फ्यूचर इसको कभी ज़रूर पहनूंगी। और इस बार भारी साड़ी लेने का रीज़न ये था क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत ही हल्की साड़ियाँ ले रही थी, और हमेशा आपको हल्की साड़ियाँ ही नहीं काम आती, क्योंकि मेरे घर में भी तीन तीन शादियाँ पड़ेंगी आगे चल करके, कभी भी हो सकता है वो तो चीज़ें। तो मुझे ये था कि ठीक है ले ही रही तो कुछ ऐसा लो जो आगे चल के यूजफुल हो, नहीं तो वो हल्की हल्की साड़ियाँ हमें मुझे पहन के वैसे भी कहीं नहीं जाना है ऐसा। जब मैं यहाँ आती हूँ यहीं पे जो भी पूजा पाठ होता है उसमें पहन लेती हूँ, बाकी मैं साड़ी वैसे भी नहीं पहन पाती हूँ। और ऑलरेडी जो मेरी कोलेब्रेशन की साड़ियाँ वैसे की ऐसी पड़ी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा साड़ियाँ लेने में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। सो ओवरऑल ये थी मेरी साड़ियाँ। इसके साथ ही साथ मैं अभी आपको गोल्ड का भी दिखा देती हूँ जो भी चीज़ें हैं।
तो गाइज ये रही पोटली मेरी जो कि मैंने उस दिन ली थी अपनी साड़ी के साथ में, मैंने एकदम मैचिंग बैठाया था। तो ये मेरी पोटली है, इस पोटली में है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले आपको चांदी से स्टार्ट करती हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने क्या दिया था। मेरी मदर इन लॉ ने साड़ी दिया था, उसके साथ में उन्होंने ये एक चांदी का सिक्का दिया था। जैसे कि मैंने बताया कि चांदी बहुत शुभ होता है, तो ये चांदी का सिक्का था। और इसके साथ उन्होंने जो गोल्ड दिया था वो मैं अभी जो है फिलहाल शॉप पे है, गोल्ड शॉप पे रखा है, क्योंकि मुझे कुछ और हमें कुछ उसमें थोड़ी सा इशू दिख रहा था। तो हमने सोचा था, तो वही मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। क्योंकि अभी ये था ना कि 8th month भी चल रहा था, तो उसके हम थोड़ा सा रुके हुए थे। तो ये हुआ था कि जब भी हम फ्री होंगे तो मैं खुद जाकर के अपनी पसंद से लूंगी, और तब मैं आपको स्पेशली शॉप पे दिखाऊंगी कहाँ से क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। बट फिलहाल अभी ये है चांदी का सिक्का। और बोलते हैं हमारे यहाँ की हर चीज़ में चांदी मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, एक मेरी दीदी है यानी कि मेरी नाना था, उन्होंने दिया है, और वो है मेरे हस्बैंड की मामा की बेटी हैं, तो वो भी मेरी दीदी ही लगेंगी। तो उन्होंने दिया है एक बहुत ही प्यारी सी पायल जो कि मैं पहनूंगी आगे चल के। और सबसे पहले दीदी को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारी सी चीज़ दी है। तो पायल कुछ इस तरीके से है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ। ओके, जिसका जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इस तरीके से ये मुझे बहुत सुंदर लगा। तो काफ़ी सुंदर पायल है और मैं इसको पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से आई थिंक है। तो मेरे पास बहुत अभी ऐसी है जो कि मैंने पहनी नहीं, क्योंकि शादी में काफ़ी कुछ मिलता है, बहुत सारे मायके से मिलते हैं, ससुराल से मिलते हैं, ऐसे होती सारी चीज़ें। तो मतलब वो सारी चीज़ें भी मेरे पास रखी हुई हैं, मैंने बहुत पहनी नहीं है, क्योंकि यार कहाँ कितना पहनते हैं हम, 4 से 5 जो पहनते वही ख़त्म नहीं हो पाता, टूटती नहीं है। बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इसको बहुत जल्दी पहनूंगी और काफ़ी सुंदर है। तो दीदी ने ये दिया था एंड पैसा भी दिया था, तो थैंक यू दीदी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पायल है ये। तो गाइस बहुत सारे मैंने आपको गिफ्ट दिखा दिए, बट मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल के क्लोज है, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड देना भूल गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए इस बार फर्स्ट टाइम कोई चीज़ चूज़ करके लाए हैं, और मेरे से पूछा गया था कि तुम्हें गोल्ड चाहिए या फिर चांदी चाहिए क्या चाहिए। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को चांदी चाहिए, मेरे को गोल्ड अभी नहीं चाहिए, और गोल्ड जो भी लेना होगा मैं बाद में देखूंगी अभी, क्योंकि अभी मेरे को अपने मदर इन लॉ के साथ भी जाके लेके लेना है अपने लिए कुछ गोल्ड का। एंड गोल्ड का मेरे को अभी कुछ प्लान है मेरा इन फ्यूचर जो कि मैं हस्बैंड से लूँगी, बट अभी नहीं लूँगी, वो मेरा कुछ है जो कि मुझे लेना है। बट ओवरऑल मैंने उनको बोला था चांदी का, बिकॉज मुझे था कि मेरे लिए कोई चांदी की पायल लेके आए, और बहुत टाइम से मैं उनसे बोल रही थी कि अपनी पसंद से लाओ, तो बोलते थे कि मैं पैसा देता हूँ तुम जाके ले लो, तो मैं नहीं मानती थी। बट इस बार उनको ये था कि नहीं यार चांदी मैं नहीं दूंगा, तुम वो तो अपने आप से ले सकते, बट मुझे था कि नहीं आप दो। तो मैं आपको दिखा दी कि वो खुद से क्या परचेज करके आए, और सबसे फनी बात ये थी कि वो लेके भी आए, गुरुद्वारे वाले दिन मुझे दिए भी नहीं, जब जाने लगे हैं तो उसके 2 दिन पहले उन्होंने मुझे दिया है कि हाँ तुम्हारा ये भी रखा हुआ है। तो इसके अंदर है चांदी की पायल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो क्योंकि उनको पता है ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा तमड़ झमड़ चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को जिम वगैरह भी पहले जाना होता था, तो उस अकॉर्डिंग लिया कि ताकि बाद में पहन सकूँ। तो उन्होंने कुछ इस तरीके की पायल ली है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और अच्छी मुझे इसलिए लग रही है बिकॉज ये वैसे वाली नहीं जो बहुत छन 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 करती है, तो ये कुछ ऐसी है लाइक मोटे पार्ट में है, बट सुंदर बहुत है और मजबूत बहुत है। तो मैं इसको भी पहनने वाली, जो दीदी वाली पायल है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो किसी मतलब लाइक होता नहीं कुछ पूजा पाठ पहनो तो बहुत सुंदर लगेगा, उसका मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा दीदी वाला। और ये है मेरे रेगुलर पहनने के लिए, बहुत सुंदर लगेगी, एंड मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतने सुंदर वो खुद से चूज कर पाएंगे, बट बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड इसके साथ इन्होंने लिया है 2 बिछिया, ये तो पता नहीं कैसे ले लिया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, बट हाँ इन्होंने कुछ ऐसा मैचिंग बैठाने की कोशिश की है कि इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर है तो बैठाते हैं। तो ये बिछिया है और ये रही पायल, होप सो इसकी डिजाइन आपको पूरी क्लियर दिख रही होगी। तो ये दिया है मेरे पतिदेव ने और मैं इसको पहनूंगी, और बहुत तगड़ा पहनने वाली हूँ, बिकॉज होता है ना कि कोई चीज़ अगर हस्बैंड खुद से पसंद करे तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये तो तय है कि मैं इसको बहुत रगड़ के पहनने वाली हूँ, और इसको मैं कभी भी बेचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो वो मेरे लिए कोई चीज़ ऐसा चांदी वाला लिए हैं। ओके, तो गोल्ड का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मदर इन लॉ का वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी फिलहाल दिखाती हूँ जो कि मेरी मतलब मेरी मम्मी ने लिया है मेरे लिए, वो है ये। इस पे लिखा हुआ है किरण डायमंड्स, जो किरण डायमंड्स है ये मेरे फ्रेंड की शॉप है जहाँ से मैंने स्टार्टिंग से गोल्ड वगैरह परचेज किया है, वहाँ से डायमंड भी परचेज किया। तो जो किरण डायमंड शॉप है ये सुल्तानपुर में है, और पुरुषोत्तम वरुणदास के नाम वरुण कुमार के नाम से है। तो आपको मैंने वैसे भी लास्ट अपनी वीडियोज़ में दिखाया है उनकी शॉप को, और इंडिया डायमंड गोल्ड सब कुछ मिलता है, तो अगर आपको परचेज करना आप कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी सुंदर, आई थिंक इसमें एक और रिंग निकली है, जस्ट वेट। ऑलराइट, तो ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग है जो कि मैं इस टाइम पे निकाल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये बिल्कुल भी समान ही रही है,
और मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। मुझे ऐसा लगा कि लाइक बाद में जब होता डिलीवरी का टाइम तो उस टाइम निकलवा दिया, तो मैंने हटा दिया था। तो ये रही रिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने मेरी पसंद से परचेज़ की थी और मैंने बोला था कि मैं आप लोग को दिखाऊँगी ज़रूर। तो रिंग कुछ इस तरीके से, बिकॉज मेरे को ना इस टाइम पे कोई भी रिंग आ नहीं रही मेरे हाथ में, तो सब टाइट हो गई हैं और ये सब जो भी हैं मतलब अलग अलग टाइप की, इस तरीके की इस टाइम मैं सिंपल सी ये पहन रही हूँ। और ये मेरी एक डायमंड वाली रिंग है जो कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पैसिंग हस्बैंड ने दिया था, तो ये वो वाली है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको रिसेंटली सही करवाया है, जो मतलब मैंने उस टाइम पर लिया था मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करवाया, बिकॉज उसमें थोड़ी सी लाइटिंग की कमी थी, तो वो था। तो ये जो रिंग है ये वो वाली है जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं कुछ इस तरीके की, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं है इसका। तो ये कुछ इस तरीके से है, तो इसकी वजह से ना मैं इसको किसी भी फिंगर में चाहूँ पहन सकती हूँ। और ये ना मेरे पसंद की रिंग है, तो ये रिंग कुछ इस तरीके से है और काफ़ी सुंदर है। जो पहले जोधा अकबर की रिंग चलती थी उसमें बहुत बड़ी बड़ी लोग पहनते हैं, तो मेरे पास उसकी है बट उसकी दूसरे तरीके की मेरी डिज़ाइन, जो कि मैंने आपको अपने कलेक्शन वीडियो में दिखाया था। बट ये कुछ इस तरीके की, क्योंकि इस तरीके की नहीं थी मेरे पास, तो मुझे था कि चलो मैं कुछ ऐसा लेती हूँ जो मैं कभी भी किसी भी मतलब उंगली में पहन सकूँ। तो ये है कि मैं इसको कभी भी किसी भी उंगली में पहन सकती हूँ और काफ़ी सुंदर है। जो इसका वेट वगैरह भी था वो भी अच्छा खासा है, तो 4 से 5 ग्राम का था, तो अच्छा है मतलब इसका वेट भी। तो ओवरऑल ये काफ़ी मुझे सुंदर लगा रिंग। और इफ़ आप सुल्तानपुर से हो तो आप परचेज कर सकते हो मेरी फ्रेंड की शॉप से ही, काफ़ी ट्रस्टेड है। आप उसको अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर वगैरह देते हो तो आपके घर तक अच्छे से सब कुछ पहुंच जाएगा विथ कुरियर, क्योंकि वो कुरियर नहीं होता है जब गोल्ड आप परचेज करते हो, तो उसका जो कुरियर होता है वो दूसरे टाइप के होते हैं। तो अगर आपको वो भी परचेज करना हो कर सकते हो। तो ओवरऑल ये रिंग कैसी लग रही मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड इन फ्यूचर जो भी मैं गोल्ड और परचेज करूँगी जो कि मदर इन लॉ दिलाएंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ओवरऑल ये था मेरा सारा गिफ्ट का चीज़ें, और जो भी थी सब बहुत अच्छी थी और सब कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको क्या क्या पसंद आया, फिलहाल तो सब कुछ पसंद आया होगा, बट फिलहाल आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो दिखाइएगा बताइएगा। तो ये था गोदभराई का पार्ट टू, गोदभराई गिफ्ट का पार्ट टू। अब इसके अलावा कोई और गिफ्ट का पार्ट नहीं आने वाला है, इसके बाद जो आएगा वो सीधे आएगा प्री बेबी शूट का जो है व्लॉग या वीडियो जो भी है वो शूट का आएगा, एंड उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे BTS वगैरह बहुत कुछ खाने वाले हैं। सो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, एंड ज़्यादा लोग साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मेरे से कनेक्ट होने का थोड़ा सा मौका मिले और मैं भी लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।